और चलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप के महामुकाबले की। वानखेड़े में इस वक्त भारत न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना है। कप्तान रोहित शर्मा ने पावर प्ले में आज भी अपने बल्ले की पावर दिखाई और महज 29 गेंदों पर 47 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 छक्के लगाए। शुभमन गिल ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 65 गेंदों पर 79 रन की पारी खेली। गिल ने 8 चौके और 3 छक्के जमाए। आपको हम बता दें कि भारत इस महामुकाबले में एक नहीं कई कीर्तिमान गढ़ रहा है और वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अब तक के सबसे बड़े। और इस बीच आपको हम बता दें कि विराट कोहली की एक और सेंचुरी सामने आ रही है। तो आपको हम बता दें कि एक बार फिर से विराट कोहली ने अपना कमाल दिखाया है और इस बार खास करके इस टूर्नामेंट में विराट कोहली का जलवा जिस तरह से देखने को मिला, आपको हम बता दें कि एक तरह से इतिहास रच दिया है विराट कोहली ने। ये 50वीं सेंचुरी हो गई विराट कोहली की और विराट ने पूरा किया शतकों का ये अर्धशतक। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और 291 मैच में विराट का ये 50वां शतक है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये वर्ल्ड कप में जिस तरह से विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो सेमीफाइनल्स में जिस तरह से न्यूजीलैंड के साथ ये मुकाबला हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, वहां पर विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक के बाद एक आपको हम बता दें कि इस मैदान पर कई रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और आज एक बार फिर से आपको हम बता दें ये खुशखबरी भारत की झोली में आई है। हम उम्मीद कर रहे थे कि सेमीफाइनल्स में हमारे ज्योतिषियों ने कल एक हमने महा कवरेज की थी जिसमें हमारे ज्योतिषी तमाम बता रहे थे कि आज कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं इस वानखेड़े स्टेडियम में और ये जो रिकॉर्ड इस वक्त बना है वो विराट कोहली का बना है। 50वां शतक लगाया है विराट कोहली ने और इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट का ये शानदार शतक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हमें देखने को मिला जब न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल्स के दौरान ये शतक उन्होंने जड़ा, अपना 50वां शतक उन्होंने जड़ा और इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड हो गया विराट कोहली के नाम। तो इस वक्त की बड़ी और शानदार खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि आज लगातार उम्मीद जिस तरह से जताई जा रही थी इस ग्राउंड को लेकर कहा जा रहा था, क्योंकि अब तक के जितने भी रिकॉर्ड है उसमें यही कहा जाता है कि अगर टॉस जीतकर जो भी टीम पहले बल्लेबाजी चुनती है तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो उसी के पाले में जाती हुई हर बार दिखी है। और ना सिर्फ इतनी ही बात बल्कि इस मैदान को लेकर कई बात कही गई थी, इस ग्राउंड को लेकर कई बात कही गई थी। कल जब हमने शो किया था तो तमाम ज्योतिषी कह रहे थे कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी सितारे हैं, सब कमाल के फॉर्म में हैं और आप देखिएगा एक एक करके कई रिकॉर्ड आपको इस मैदान पर देखने को मिलेंगे। और सुबह से ही हम जिस तरह से देख रहे हैं शानदार फॉर्म में तमाम हमारे क्रिकेटर्स दिख रहे हैं, ऐसे में विराट कोहली के नाम ये शतक में 9 चौके और 1 छक्का शामिल है। आपको बता दें 50वां ये विराट कोहली का शतक है जिसमें 9 चौके उन्होंने लगाए और 1 छक्का उन्होंने लगाया और इसी के साथ अपना 50वां शतक उन्होंने पूरा कर लिया। तो ये शानदार शतक कोहली ने 106 गेंदों में ये शतकीय पारी खेली है और इस शतकीय पारी के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक नया रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट का ये शानदार शतक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभी देखने को मिला। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी जीत को और पक्का करता हुआ इनका ये शतक, जो रिजल्ट्स हैं वो उसी में तब्दील होंगे हम यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे तमाम क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, हमारे तमाम सितारे इस वक्त मैदान पर जमीन पर उतरकर जिस तरह से खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है हम उम्मीद करेंगे इस फॉर्म के बाद, इस परफॉर्मेंस के बाद विराट की 50वीं सेंचुरी टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर के आए और सेमीफाइनल्स भी हम ही जीते, उम्मीद हमारी यही है। लगातार कहा जा रहा था चूंकि मुंबई की अगर हम बात करें, इस ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो कहा जा रहा था कि शाम के वक्त दिक्कत ये हो जाती है कि वेव्स है और समंदर का किनारा कहीं ना कहीं नमी होती है, फ्लड लाइट्स की वजह से बॉल स्विंग हो जाती है और ऐसे में उसके बाद यानी कि सेकेंड हाफ में जो भी टीम बैटिंग करती है उसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में सही यही होगा फैसला लेना। नीतू झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नीतू, अब इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? देखिए अगर फैंस हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि देखिए विराट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यूं तो कई रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 50वीं सेंचुरी पूरी और साथ ही साथ सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ और अब फैंस की बात कर रही है तो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ फैंस एक साथ इकट्ठा है। एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और सब यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब विराट कोहली अपना शतक जड़ेंगे और पहले वो शख्स हो जाएंगे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और यहाँ कितना एक्साइटेड है विराट मैडम? हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि विराट कोहली का देखिए आज तो उन्होंने शतक करा प्लस 50 शतक। इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसके 50 शतक। मैं देख रही थी जैसे ही विराट गेंद खेलने वाले थे सबके फोन बाहर निकल गए, सबने इस मोमेंट को जी बिल्कुल मैम, हमने बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था ये क्योंकि 50वां शतक हमारे मतलब विराट कोहली के लिए बहुत ही अच्छा। और हमारे देखिए श्वेता, अभी आपको ढोल की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, मैं आपको उस तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ आपकी जहाँ भी नजरें जाएं आपको वहाँ फैंस ही नजर आएंगे और खास बात यह है कि सबका फोन उनके हाथ में और सब चाहते हैं कि कैसे भी करके वो जो पल है उसको कैप्चर कर ले। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। अभी जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी तो मैंने देखा सब बहुत एक्साइटेड थे, कितना खुशी का पल था। सचिन तेंदुलकर तो 49 शतक, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ा है तो खुशी की बात ही है। हर इंडिया हर इंसान खुशी की माहौल है, खुशी की जज्बात है क्योंकि भगवान का रिकॉर्ड ने सचिन तेंदुलकर विराट कोहली ने तोड़ा है। बिल्कुल भगवान का रिकॉर्ड, क्योंकि सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता था। श्वेता उस तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैंने आपको कहा आपकी जहाँ भी नजरें जाएं आपको फैंस ही नजर आएंगे। विराट कोहली का शतक लग गया है और मैं देख रही थी कि आप लोग यहाँ पर बहुत चीयर कर रहे थे, एक बार उसी जोश और उसी उत्साह के साथ फिर से टीम इंडिया को चीयर अप कर दी। आप कुछ कहना? इंडिया इंडिया के नारे हो जाए वहाँ पर। शतक मारा है आज तो कोहली ने और आज हम जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मैच चल रहा है तो सबकी नजरें जो है वो टीवी स्क्रीन पे है, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो बागपत से आए हुए हैं मैच देखने। अभी इनसे पहले भी हमने बात की थी, बागपत से आए थे। आप लोग एक बार जोर से टीम इंडिया को चीयर अप कर दीजिए। इंडिया इंडिया ये आवाज मुंबई तक जानी चाहिए। इंडिया 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 एक बार विराट, क्योंकि आपने बताया था भागपत से यहाँ मैच देखने आए हैं, विराट कोहली ने अब शतक भी लगा दिया जिसका आपको इंतजार था, तो अब राहत महसूस हो रही है क्या? भागपत वापस जाऊंगा तो सुकून हो? जी सुकून पूरा, नींद भी तसल्ली की आओगी पर मजा आ रहा है पूरा मैच देखने में, जाने का मन नहीं कर रहा। जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा श्वेता। यहाँ जो लोग पहुंचे थे जब उन्होंने मैच देखना शुरू किया तो किसी ने कहते हैं ना पलक भी नहीं झपकना, क्योंकि ऐसा मैच ये, चाहे रोहित शर्मा की बात हो, शुभमन गिल की बात हो या फिर अब विराट कोहली की पारी जो सब देख रहे हैं, साथ ही श्रेयस अय्यर जिस तरह से उनका साथ दे रहे हैं। ये बताइए, मुझे लगता है अभी उधर से डिस्टर्ब करना आप लोगों के साथ गलत होगा क्योंकि सबकी नजरें स्क्रीन पे है, लेकिन विराट कोहली का शतक लग गया है, कितनी खुशी? बहुत खुशी हो रहा है। रिकॉर्ड किया आपने वो मोमेंट? बहुत रिकॉर्ड किया है, बहुत बिल्कुल रिकॉर्ड किया है। आप बताइए पार्टी वार्टी होने वाली है? पार्टी तो होने वाली है मैच के बाद। पटाखे फूटेंगे? जरूर फूटेंगे। बचा के रखे थे दिवाली वाले? ऑफ कोर्स बचा के रखे हैं। और अगर नहीं भी बचाए होंगे तो खरीद लेंगे, यहाँ पर भी श्वेता लोग है, फैंस है। दिवाली के पटाखे बचे हुए हैं या खरीद? बिल्कुल बचे हुए हैं जी, आतिशबाजी होगा मैच खत्म होने के बाद। मैच खत्म होने के बाद आतिशबाजी होगी यहाँ पर, तो भी फिलहाल सबकी नजरें जो हैं बिल्कुल और इससे पहले इंतजार वाकई इस वक्त देखिए, जाहिर सी बात है कि विराट कोहली ने इतिहास एक तरह से रचा भी है और कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो सेंचुरी है, क्योंकि अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने जो सेंचुरी की थी वो 49वां उन्होंने शतक लगाया था और जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अभी तो बराबरी हुई है, अब एक शतक और उसके बाद तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूटेगा जो आज टूट गया। हम आपको बता दें कि भारत इस महामुकाबले में एक नहीं कई कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है और वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अब तक के सबसे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें अब तक भारत 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 328 रन और इस बीच भारत के अभी तक 316 रन हो चुके हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है, साथ ही साथ 6 ओवर अभी बाकी है तो आप समझ सकते हैं कि 6 ओवर अभी बाकी है, 316 रन बना चुका है भारत। ऐसे में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अगर आगे की हम बात करें, इससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एससीजी में 328 रन बनाए थे। चलिए नीतू, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। एक बार फिर से आपके साथ हम जुड़ेंगे
एक बार हम ये मैच जीत जाए उसके बाद जाहिर सी बात। और अब बात आस्था और उमंग की केदारनाथ धाम में, क्योंकि आज विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं, तो आज एक अलग ही नजारा यहां देखने को मिला। बिल्कुल, और इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया। अब कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक बाबा केदार अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में निवास करेंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ इस पवित्र पावन प्रक्रिया को संपन्न किया गया और बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस पल के गवाह बने। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया और करीब 2,500 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां मौजूद थे। इस दौरान सेना की भक्तिमय धुनों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। कपाट बंद करने से पहले बाबा केदार के स्वयंभू त्रिकोणीय आकार के लिंग को समाधि दी गई, फिर बाबा केदार के जयघोष के साथ बाबा की डोली उठी। डोली के साथ हजारों भक्त पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। अगले 6 महीने बाबा केदार अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में निवास करेंगे। मान्यता है कि शीतकाल के 6 माह के प्रवास के दौरान देवता बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हैं। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी डोली अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हो गई है। 16 नवंबर को पंचमुखी डोली गुप्त काशी पहुंचेगी और 17 तारीख यानी शुक्रवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति शीतकालीन पूजा स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर टूटी मठ पहुंचेगी। यहाँ रोजगार और पर्यटन के लिहाज से गुड न्यूज ये भी है कि यहाँ हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा ऐतिहासिक रही। पहली बार 19.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। केदार घाटी में आस्था उत्सव के मेले को चंद महीने का विराम जरूर मिला है, लेकिन भक्तों की उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं और अगले साल बाबा केदार के दर्शन की लालसा के साथ इन भक्तों ने अपने आराध्य को पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। भले ही केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बाबा केदार की महिमा और लीला निराली है। तभी तो इस साल केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और ये भक्तों का आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए आपको केदारनाथ धाम की महिमा दिखाते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान बाबा केदार की महिमा ही है, जिनके दर्शन करने मात्र से 4 धाम में से 1 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। तभी तो हर साल 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भोलेनाथ की भक्ति का ये धाम खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के साथ ही तमाम पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। इस धाम की महिमा अपार है। पुराणों में वर्णन है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग नहीं बल्कि बैल के पिछले हिस्से के आकार के शिवलिंग की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों की तपस्या करने के बाद शिवजी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। हालांकि पांडवों ने भोले बाबा से वहीं पर बस जाने का आग्रह किया तो शिवजी बैल के रूप में इसी स्थान पर बैठ गए। इसी कारण यहाँ पर शिवलिंग बैल की पीठ के जैसा दिखता है। प्राचीन युग से ही केदारनाथ हिंदू आस्था का पवित्र केंद्र रहा है। इसके आसपास बर्फ से ढकी ऐसी पहाड़ियां हैं जो हैरान कर देती हैं। लेकिन केदारनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या महिमा है, पौराणिक ग्रंथों में इसको लेकर भी एक कहानी प्रचलित है। एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया
और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहाँ पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का ये हिस्सा केदार खंड कहलाता था। तो इस प्रकार से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा गया। हालांकि आधुनिक युग में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की और उसके बाद उन्होंने यही समाधि भी ली। फिलहाल तो हिंदू धर्म की मान्यताओं में केदारनाथ धाम आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। सदियों से आस्था और विश्वास के इस धाम में भक्ति की अलख यूं ही जगमगा रही है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको यमुनोत्री धाम लिए चलते हैं। यहां मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में मौजूद रहे। बिल्कुल, हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस साल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने से पहले करीब 7 लाख भक्तों ने यहां पर दर्शन किए। बोलो यमुना मैया की, बोलो यमुना मैया की, मां यमुना का जयकारा। उत्तरकाशी में पावन पवित्र धारा। विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच आज यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस दौरान मां गंगा और मां यमुना के जयकारों से धाम गूंज उठा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। यमुनोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त और मकर लग्न में बंद हुए। ये मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। इससे पहले यमुना जी को लेने भाई शनिदेव की उत्सव डोली 8:30 बजे खरशाली गांव से यमुनोत्री के लिए रवाना हुई थी और पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए अगले 6 महीने तक के लिए कपाट बंद कर दिए गए। उत्सव डोली यात्रा के दौरान भक्तों का जोश और उत्साह भी देखते ही बना। श्रद्धालुओं का कारवां डोली के साथ साथ चल रहा था। जगह जगह लोग माँ की भक्ति में लीन नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए। भले ही अब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात गंगोत्री धाम की। यहाँ भी भक्तों का उत्साह और हुजूम देखते ही बन रहा है। मंगलवार को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। कपाट बंद होने के मौके पर आपको बता दें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारे के साथ मां गंगा की डोली को उखी मठ के लिए रवाना किया गया। भगवान की ये डोलियां जब भी जहां जहां निकलती हैं, तब तब उस वातावरण में दिव्यता का एहसास होता है। यहां भी मानो माँ गंगा अपने भक्तों को प्यार भरा आशीर्वाद देकर जा रही हैं। ये मौका माँ गंगा को समर्पित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का है, मगर जो भक्तों की भीड़ और उनकी माँ की डोली को विदा करने की परंपरा है, वो खुद में भव्य और आंचलिक संस्कृति की एक अनोखी और निराली मिसाल है। माँ गंगा की डोली को विदा करने वाली ये भावुक तस्वीर अन्नकूट पर्व की है, जब मंगलवार दोपहर 12:45 बजे गंगोत्री धाम के कपाट को परंपरागत तरीके से बंद किया गया और सजी सवरी माँ गंगा अपने भक्तों के जयकारों के बीच शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हुई। इससे पहले करीब 10:15 बजे माँ गंगा के मुकुट को उतारा गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने निर्वाण के दर्शन किए और माँ गंगा की मूर्ति का महाभिषेक किया गया। इस बीच पूरा मंदिर परिसर वेद मंत्रोच्चार से गूंज उठा। वहीं इसी दौरान सेना का पारंपरिक लोक गीतों वाला मधुर बैंड भी पूरे माहौल को ऊर्जा और आस्था से
सराबोर कर दे रहा है। सेना के बैंड के साथ शामिल हुए जवान ही मां गंगा की डोली को मुखपा लेकर आए। अब अगले 6 महीने देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखीमठ यानी मुखबा में कर पाएंगे। गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के रंग दिखाते हैं। इस ट्रेड फेयर में भारत समेत 13 देशों के 3,500 एग्जीबिटर्स शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मेले में कई जगहों पर रंग बिरंगी संस्कृति दिख रही है, तो कई देशों के स्टॉल पर खास प्रोडक्ट्स की बिक्री भी देखी जा रही है। खास बात यह है कि इस मेले में 19 नवंबर से आम लोगों की भी एंट्री शुरू हो जाएगी। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है, अभी इसका आगाज हो रहा है। और आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी ये दिल्ली के प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसा मंच होता है जहां पर देश विदेश के तमाम व्यापारी पहुंचते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर। देश के सभी राज्य और यूटीज भी वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपना कल्चर लेकर अपना प्रोडक्ट लेकर यहां पहुंचते हैं और दुनिया भर के व्यापारियों के सामने वो अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। इस एक मंच पर आपको इस बार 13 से ज्यादा व्यापारियों से मिलने का मौका मिलेगा, 13 से ज्यादा देशों के व्यापारियों से मिलने का मौका मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है और हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ये ट्रेड फेयर चलेगा। हालांकि 18 नवंबर तक ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होगा, सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए होगा, सिर्फ उनके लिए होगा, और 19 नवंबर से ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दुनिया के 13 से ज्यादा देश पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं थाईलैंड के एक पवेलियन में और यहाँ पर कुछ थाईलैंड की जो महिलाएं हैं वो अपना प्रोडक्ट लेकर आई हैं, उनके सूट्स हैं और कुर्तियां हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैं थाईलैंड के, लेकिन हिंदी अच्छी बोलते हैं पहली बात, और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर जो भी इनके प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ेंगे वो बहुत कम पैसों के दिखाई पड़ेंगे। खास चीजें हम क्या दिखा सकते हैं? सबसे पहले तो आप इस तरफ हमारा विंटर वेयर दिखा दीजिए। ये जो दिल्ली के जो पब्लिक है उनका ये फेवरेट प्रोडक्ट है विंटर वेयर, ये 1000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे पास 500 के रेंज में कुर्ती दुपट्टा है, इसका जो फैब्रिक है ये प्योर स्पन कॉटन है, तो ये गर्मियों के हिसाब से बहुत सही है। प्लस हमारे पास साइजेस भी मिल जाएंगे मीडियम से लेके XXL तक। बाकी आप ये वाला देख सकते हैं, ये थाईलैंड का पार्टी वेयर ड्रेस है, ये भी 1500 के रेंज में है। देन हमारे पास इस साल का जो एकदम ट्रेंड सेटर पीस है कॉट सेट्स, वो भी हमारे पास है, तो इसमें भी काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। भारत में भी कई लोग अफगानिस्तान को, खासकर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में भी अफगानिस्तान के ये व्यापारी पहुंचे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स लेकर यहाँ का स्वाद भारत को देने और अपने लिए कुछ व्यापार वो यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। हमारे साथ अकबर हैं, उनसे बात करते हैं। पहली बार आए हो आप या फिर पहले भी आते रहे हो? नहीं है, हम हर साल आते इधर सर। हाँ सर। कौन सा साल है आप? ये दूसरा साल है हमारा। हाँ जी। क्या क्या कुछ खास है आपके ड्राई फ्रूट्स में? ड्राई फ्रूट्स तो पूरी दुनिया में बिकते हैं, अफगानिस्तान का अलग? अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट सबसे अलग होता है सर। जो भी ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, मामरा बादाम है, सब चीज़ डिफरेंट होता है अफगानिस्तान का सर, इसीलिए तो अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट में इतना नाम है सर। बिजनेस के लिहाज से कैसी जगह लगती है आपको इंडिया? इंडिया तो बहुत अच्छी जगह है बिजनेस के हिसाब से। हाँ जी, ये बात तो मानता हूँ मैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा जगह है अगर जो करना चाहे बिजनेस। पहले आप लोग आए तो कैसा रिस्पांस रहा? अच्छा रिस्पांस रहा इधर तो, प्रगति मैदान में तो अच्छा रिस्पांस आता है, इसलिए तो सब लगाते हैं। आपको बता दें कि शिमला में व्यापार मेले की रौनक देखते ही बन रही है। यहां पर लावी अंतर्राष्ट्रीय मेले का शानदार आगाज हो गया है। 400 साल पुराने इस मेले में लोक संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम नजर आ रहा है। इस मेले में भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिल रही है, साथ ही इस मेले में आधुनिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ पहाड़ी उत्पादों की डिमांड भी बढ़ गई है।
उत्साह और उमंग। शिमला में अंतरराष्ट्रीय लावी मेला के रंग। संस्कृति और आस्था का ये समागम हिमाचल की खूबसूरत वादियों में और भी चार चांद लगा रहा है। रामपुर में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय लावी मेले का शानदार आगाज हो गया है। मेले की शुरुआत में हिमाचल की लोक संस्कृति और परंपरा की झलक साफ नजर आई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति से मेले में समा बांध दिया और इस मेले को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। जो हमारी यहाँ की वेशभूषा है, यहाँ की खान पान है, उसके ऊपर हमें सदा गर्व होना चाहिए। इस मेले में न सिर्फ पारंपरिक उत्सव के रंग दिखाई दिए, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों का भी अटूट संबंध नजर आया। ये मेला उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक मेलों में से एक है, जो पिछले 400 सालों से ऐसे ही परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस मेले में देश के आधुनिक उत्पादों की भी बिक्री होती है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक उत्पाद भी बेचे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लावी मेले से भारत और तिब्बत के बीच कारोबारी रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही लोगों के बेहतर कारोबार और व्यापार के व्यापक रास्ते भी खुलते हैं, जिससे कारोबार को बल और विकास को नई रफ्तार भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। छठ की छटा बिखरने के लिए तैयार हो रही है। जहां बिहार और पूर्वी यूपी समेत देश के कई राज्यों में छठ की खास रौनक देखने को मिल रही है। छठ पूजा को लेकर नदियों और तालाबों के किनारे घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। 17 नवंबर से शुरू होने वाले छठ को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। छठी मैया तोहारी बरतिया करब अब की बार, छठी मैया तोहारी बरतिया करब अब की बार। दीपावली के बाद छठ पर्व के लिए शहर, गांव और कस्बों में तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं नदियों के किनारे घाटों की सफाई और रंग रोगन चल रहा है, तो कहीं पूजा पाठ के साथ साथ अस्थाई घाट के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी घाटों की सफाई का काम खासतौर से जारी है। दिल्ली में करीब 900 घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। दिल्ली के ITO घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ समिति के जो घाट हैं, उन पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। अलग अलग टेंट और जो है वो लगाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल पाउंड जो है वो बनाए गए हैं, ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आ सके तो वो उगते सूरज और ढलते सूरज को जो है वो अर्घ दे सके। मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के घाट पर। हालांकि दिल्ली सरकार अब छठ का आयोजन नहीं कर रही है, लेकिन जिस हिस्से में हम मौजूद हैं ये यूपी का हिस्सा है और यहाँ पर बीते 19 सालों से छठ का आयोजन हो रहा है और एक समिति है जो कई सालों से छठ का आयोजन भी करती है और यहाँ पर पूरी तैयारियां भी करती है, जिसमें स्थानीय जो प्रशासन है वो भी मदद करती है। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो आपको तस्वीरों से ये जरूर नजर आ रहा होगा कि ट्रैक्टर चलाया गया है और सफाई का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि ये घाट आम दिनों में काफी गंदा हो जाता है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर सफाई का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर पीछे आपकी नजर जाए तो आप देखेंगे कि अब टेंट लगाने का काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि छठ के अगर काउंटडाउन की बात करें तो छठ बिल्कुल नजदीक आ गया है। 4 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें अब ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी है। केवल दिल्ली ही नहीं, पटना हो या फिर मुजफ्फरपुर, इन दोनों ही जगहों पर घाटों की साफ सफाई का काम कई जगह पर जारी है। राजधानी पटना के दीघा घाट का ये नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से छठ पूजा को लेकर घाटों को जो है वो तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस पूजा के दौरान जो घाटों पर सबसे विशेष बात का ख्याल रखा जाता है वो है बैरिकेटिंग, क्योंकि नदी जो है वो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद गहराई ज्यादा होती है इस नदी की। छठ घाट है मुजफ्फरपुर का और ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठव्रती और आसपास के लोग और कई मोहल्ले के लोग छठव्रत करते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हजारों की संख्या में लोग छठ व्रत करती हैं और ऐसे में वहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन भी
काफी मुस्तैदी से तैयारी कर जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर शहर स्थित विभिन्न तालाब पोखरों के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी के छठ घाट को भी तैयार कराया जाएगा कि छठ में किसी तरीके की परेशानी छठवर्ती स्थान को नहीं हो। इसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगे हुए ताकि छठ को लोक आस्था का महापर्व जो छठ है इसे बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी जोरों पर है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बांध सरोवर तालाब के आसपास और घाटों के रंग रोगन का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ छठ पूजा करने वालों की सुविधा के लिए बकायदा घाटों का टोकन दिया जाता है। छठी मैया और सूर्य की उपासना का छठ पर्व लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली मुंबई, इस महापर्व को लेकर कमोबेश माहौल एक जैसा ही है। यही नहीं, देश के साथ साथ विदेशों में भी अब छठ का उल्लास लोक आस्था के इस महापर्व को दर्शाने के लिए काफी है। इसलिए अब इंतजार है उस पल का जब आस्था से सराबोर छठ की छटा और उसका उल्लास इन सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। पटना से अनिकेत कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, चंदौली से उदय गुप्ता, दिल्ली से सुशांत मेहरा और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको विदेशी सरजमी पर हिंद की ताकत दिखाते हैं। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना ने अपना जलवा दिखाया और दुबई के आसमान में वायुसेना के चॉपर्स की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि इस एयर शो में तेजस समेत कई दूसरे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू कराया। वहीं इस एयर शो को देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन दो खिलाड़ियों से जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ राज्य बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। अनंतनाग की रहने वाली साहिबा और इर्तिका का सिलेक्शन राष्ट्रीय नेटबॉल की जूनियर टीम में हुआ था और ये टीम नेपाल गई थी इंडो नेपाल मिक्स नेटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। वहां पर इन लड़कियों ने अपनी प्रतिभा से गोल्ड मेडल हासिल किया। इन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। इंडो नेपाल मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर अपने सपने को तो साकार किया ही है। जम्मू कश्मीर के बदलते माहौल में इनको अपना भविष्य भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। हमने गोल्ड मेडल तो लाए ही, तो हमें इससे ज्यादा और करना है, तो हाँ बहुत अच्छा ही करेंगे इससे आगे भी। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? हम यहाँ से तो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सीनियर में 2 और जूनियर में 3, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे थे लाइक महाराष्ट्र, MP, UP और तेलंगाना, वो भी हमारे साथ टीम में। 7 से 9 नवंबर के बीच इंडो नेपाल मिक्स नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल के पोखरा में हुआ था। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए देश भर से खिलाड़ियों का सिलेक्शन माय यूथ माय प्राइड प्रोग्राम के तहत किया गया था। अब गोल्ड मेडल जीतकर इन खिलाड़ियों की खुशी देखते ही बन रही है। और अपोजिट टीम में बांग्लादेश, भूटान और दूसरी टीम भी थी, नेपाल तो थी ही, बहुत ज्यादा स्ट्रांग टीम थी, बट फिर भी हमने लीड करके जीत हासिल की। हम आए अपने कश्मीर में गोल्ड मेडल लेकर। जूनियर लेवल के नेटबॉल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाकर ये बेटियां अपने घर लौटी तो इनका जोरदार स्वागत किया गया और ये कामना की गई कि देश की ये बेटियां यूं ही मुल्क का नाम रोशन करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड को 398 रनों का लक्ष्य दिया है भारत ने। आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये सेमीफाइनल चल रहा है। भारत ने 4 विकेट पर बनाए हैं 397 रन और कोहली ने 117 रनों की पारी खेली है। आपको हम बता दें 113 बॉल में 117 रन बनाया है विराट कोहली ने और यहां पर उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर का 50वां शतक जड़कर सचिन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने बनाया 105 रन जबकि राहुल ने 39 रन बनाए।
और चलिए अब आपको एक दिलचस्प वायरल तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर डेविड बेकहम के साथ गजब की जुगलबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन इस वीडियो में दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि डेविड बेकहम जो हैं वो पहुंचे हुए हैं मुंबई, यानी इंडिया आए हुए हैं, और मुंबई में इस वक्त वो लुत्फ उठा रहे हैं सेमीफाइनल्स का। और यहां पर सेमीफाइनल्स के बीच जो तस्वीरें ये सामने आ रही है, ये देखिए पहले की तस्वीरें हैं मैदान की, कि यहां बेकहम के साथ फुटबॉल खेलते हुए मास्टर ब्लास्टर आपको नजर आएंगे। अगर रास्ते ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिलों की फितरत है वे खुद चलकर नहीं आती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दें कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। आज के लिए हमारे साथ फिलहाल इतना है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात चाय पर चर्चा में, तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।